आज फिर दोबारा मैं आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ। मैं अपने चैनल के ऊपर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जो होते हैं, जितने भी हमारे फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, उसके रिगार्डिंग जो अपडेट्स आती हैं कोर्ट्स की तरफ से, इनफैक्ट अगर कोई हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो मैं कम लेकर आता हूँ। लेकिन अगर आप लोग चाहोगे इस वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद, कि आपको ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के अंदर जितनी भी अपडेट्स आती रहती हैं उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, और ये मेरे हिसाब से पूरे भारत के अंदर एक नया मुद्दा है, और हर किसी इस मुद्दे के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा मिसगाइड करा जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा। बट मैं आपको क्लीन शब्दों में क्रक्स के अंदर सारी बातें बताया करूंगा। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि आप मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के बारे में जानकारी जानना चाहते हो या नहीं जानना चाहते। बाकी अदर अपडेट्स तो मैं देता ही रहता हूं। हम वीडियो के अंदर इस बारे में, हस्बैंड को मेंटेनेंस देना था, कोर्ट ने ऑर्डर करा था, लेकिन हस्बैंड ने मेंटेनेंस का अमाउंट अपनी वाइफ को नहीं पे करा। इस केस में कोर्ट ने हस्बैंड के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चला दी हैं। अब इसके पीछे क्या रीजन है, क्या रीजन नहीं है, अब हस्बैंड अपनी साइड से क्या कर सकता है, वाइफ क्या कर सकती है, इनफैक्ट कोर्ट क्या कर सकता है हस्बैंड के साथ में, ये सारी चीजें हम क्लैरिफाई करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से अभी लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट, अभी आज या कल परसों के अंदर ये ऑर्डर आया है। मैं आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा, आप पूरी वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दे रहा हूं। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट इन लीगल गाइडेंस। अगर आप में से कोई भी जुडिशरी का बैच लेना चाहता है, अन अकेडमी के ऊपर अपनी जुडिशरी की ट्रेनिंग करना चाहता है, तो आज में आपके लिए बहुत बेस्ट प्लान है, और 16 मार्च तक के लिए आपके लिए ऑफर वैलिड रहेगा। अगर आप कोई भी जुडिशरी का प्लान लेते हो, कोई भी मंथ का प्लान लेते हो, तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा मेरा कोड यूज करने के बाद में, SLG10 का। साथ में अगर आपने MP जुडिशरी का अपना पेपर भरा हुआ है, आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, साथ में मेंस की तैयारी करनी है, तो 6 महीने का कंप्लीट बैच 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा मेरा कोड यूज करने पर, SLG10 का। साथ में जुडिशरी की मेंस की टेस्ट सीरीज तो चलती ही रहती है, केवल और केवल सब्सक्रिप्शन वाले बच्चों के लिए, और यहां पे फ्री डेली बेसिस पे आपको टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की देखने को मिलती है, पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स के साथ में आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। मेरी भी फ्री क्लासेस चलती हैं डेली बेसिस पे, आपको एविडेंस से मेरे से पढ़ने को मिलेगा, CRPC मेरे से पढ़ने को मिलेगा, IPC पढ़ने को मिलेगा, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मैं डेली बेसिस पर पढ़ाता रहता हूं। और साथ में आप मेरा कोड यूज करोगे तो फ्री में आप मेरी क्लासेस भी देख सकते हो। यहाँ पे आपके पास जुडिशरी का आइकॉनिक बैच भी होता है, जिसमें सारे बेनिफिट्स आपको प्लस वाले मिलेंगे, लेकिन 3 एक्स्ट्रा फायदे मिलते हैं, मेंस की फोकस टेस्ट सीरीज, लाइव डाउट सोल्विंग सेशन, लाइव मेंटोरशिप के सेशंस, और आपको अगर बैच लेने का मन बन रहा है तो आप 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक का कोई भी प्लान लोगे 16 मार्च तक रात के 12 बजे से पहले पहले, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा मेरा कोड यूज करने पर, SLG10 का। सबसे पहली बात आती है यहां पे, अगर हस्बैंड के द्वारा, यानी कि अगर कोई लड़का और लड़की शादीशुदा होते हैं और उनके केस के अंदर हस्बैंड जो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस का या खर्चा पानी का, घर चलाने का, इनफैक्ट वाइफ अपने खर्चे निकालने के लिए जो अमाउंट चाहिए होता है, वो हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को नहीं देता है, तो एट द एंड वाइफ के पास पूरा अधिकार होता है किस चीज का, वाइफ जो अपने हस्बैंड के खिलाफ सिविल कोर्ट में केस फाइल करे और मेंटेनेंस का अमाउंट क्लेम करे। सिंपल बात है, आपको पता है कि आप सेक्शन 125 ऑफ द CRPC में भी जा सकते हो, और आप हिंदू लॉ सेक्शन 24 में, 25 में बहुत सारे अदर प्रोविजंस हैं, आप वहां पे एप्लीकेशन लगा सकते हो कि मेरे को हस्बैंड से मेंटेनेंस चाहिए। ऐसे ही हमारे केस के अंदर जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, तो यहां पे वाइफ ने अपने हस्बैंड के खिलाफ मेंटेनेंस का क्लेम करा कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट ने कहा ठीक है, सारे के सारे फैक्ट समझे, यहां पे हस्बैंड पाया गया कि हस्बैंड की सोर्स ऑफ इनकम है और हस्बैंड जो है बिल्कुल सक्षम है पे करने के लिए अपनी वाइफ को, लेकिन हस्बैंड पे नहीं करता है, तो जो ऑनरेबल कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर करा था कि हस्बैंड आपको 12,000 रुपए महीना अपनी वाइफ को एज अ मेंटेनेंस के तौर पे, घर चलाने के तौर पे देने पड़ेंगे। बस साफ सीधी बात, ये मुद्दे की बात हमारे को बताई गई थी। अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मान लो 12,000 रुपए महीना हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को नहीं पे करता है, तब ये कहां पे माना जाएगा, क्या करा जाएगा, हस्बैंड के साथ क्या कर सकता है कोर्ट, इनफैक्ट वाइफ कोर्ट की मदद से हस्बैंड के खिलाफ क्या क्या कर सकती है। यहां पे एक बात तो यहां पे समझ में आ गई कि नॉन पेमेंट ऑफ द मेंटेनेंस इज इक्वल टू कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, यानी कि अगर हस्बैंड के द्वारा 12,000 रुपए महीना, या इनफैक्ट कोई भी आपका केस होगा या आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में, अपने रिलेशन में, अपने रिलेटिव्स में, तो अगर कोई भी हस्बैंड के द्वारा मेंटेनेंस का अमाउंट पे नहीं करा जाता है, तो यहां पे बोला जाता है, यह माना जाता है कि यहां पे हस्बैंड के द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कमिट करा है, कोर्ट का अपमान करा है, कोर्ट ने जो ऑर्डर करा है उसका ऑर्डर का पालन हस्बैंड के द्वारा नहीं करा गया है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की पूरी यहां पे चलाई जाएंगी। लेकिन याद रखिएगा, यहां पे जो दिल्ली हाईकोर्ट का मैं आपको केस समझा रहा हूं,
जस्टिस नाज़मी वजीरी जो दिल्ली हाईकोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस हैं, इन्होंने पर्टिकुलरली ये केस की सुनवाई करी और इन्होंने पाया कि जो हस्बैंड है ना भाई, ऐसी हरकतें में उसने पेमेंट करी नहीं है मेंटेनेंस के अमाउंट पे अमाउंट की, तो यहां पे हस्बैंड को गिल्टी पाया गया किस चीज के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। क्यों भाई, तुमने नॉन पेमेंट ऑफ द मेंटेनेंस अमाउंट करा है और 414,000 रुपए का तुम्हारे पे बर्डन हो चुका है टोटल मिला के, मतलब 2016 या 18 से केस चल रहा था जब से लेके अब 2022 तक का हस्बैंड को पे करना था, लेकिन हस्बैंड ने एक भी रुपया पे नहीं करा, एरियर्स कितना का हो गया 414,000 रुपए का, पहली बात। दूसरी बात यहां पे सामने आई कि हस्बैंड ने जो है, जब जस्टिस साहब ने जो है ऑनरेबल जस्टिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के, इन्होंने हस्बैंड को नोटिस भी भेजा था कि भाई तुमने गलत करा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तुम्हारे पर, हम प्रोसीडिंग्स चला सकते हैं। अब हस्बैंड को जब नोटिस आया, हस्बैंड ने इस पर्टिकुलर नोटिस का भी कोई रिप्लाई नहीं करा, नोटिस का भी रिप्लाई नहीं करा, तो इसमें तो यार गलत है यही, जब कोर्ट से आपको नोटिस आ रहा है आप क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हो, ये आपकी घर की बात थोड़ी ना है, घर की माहौल थोड़ी ना है कि आपका जो मन करेगा जैसे मन करेगा वैसे ही कर लो, सॉरी ये आप बहुत सारे लोग नेग्लिजेंट हो जाते हैं या पता नहीं उनके एडवोकेट्स उनको गाइड नहीं करते हैं, फिर आपको भारी नुकसान करवाना झेलना पड़ता है, तो यही भारी नुकसान झेलने के आपके नेग्लिजेंट एक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं सभी लोगों को बोलूंगा कि आप अपने एडवोकेट्स को इन बातों के लिए अवेयर करिए या जोर डालिए कि जब भी कोई नोटिस आए आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है, मेरा ड्राफ्ट करके मेरा रिप्लाई फाइल करिए कोर्ट के अंदर, अगर नेग्लिजेंट आपने रहा तो आपके साथ बहुत गलत होगा, याद रखना, गलत इन द सेंस सही होगा बट आपके साथ बुरा होगा, क्यों, आपकी ही गलती की वजह से, कोर्ट तो अपनी जगह पर सही है ना, इस वजह से। तो यहां पे कंटेम्प्ट नोटिस का नोटिस भेजा किसको, हस्बैंड को, यहां पे 12,000 रुपए महीना जो मंथली बेसिस पे मेंटेनेंस का अमाउंट ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से डिसाइड कराया गया था, हस्बैंड ने पे नहीं करा और एरियस 414,000 रुपए का पड़ गया। अब यहां पे बात आई, हस्बैंड ने कंटेंट करा, हस्बैंड ने यह भी बात बोली कि जस साहब मैंने 1,00,000 रुपए ऑलरेडी पे कर चुके हैं, अब यहां पे करे हैं नहीं करे हैं वो हस्बैंड की हेडेक है, वो प्रूव करेगा। मैं सभी लोगों को इस केस में रिमाइंड करूंगा कि यहां पे जब भी आप कोई मेंटेनेंस अमाउंट पे करते हो ना, तो यहां पे आप कोई एक प्रूफ के तौर पे रिसिप्ट रखा करो, फॉर एग्जांपल बैंक ट्रांसफर वेरी गुड, पेटीएम ट्रांसफर वेरी गुड, गूगल पे ट्रांसफर वेरी गुड, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको आपको मेहनत ना करना पड़े प्रूव करने में। कैश करोगे तो कैश में आपको प्रूव करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, ऐसा मेरा मानना है। आप वाइफ के सिग्नेचर करा लो कि हाँ हमने तुम्हारे को पैसे दे दिए इतने, और वाइफ अपने सिग्नेचर कर दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आप अगर कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन में अमाउंट पे करोगे जिसके पास आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ होगा, आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा पैसे लेने के बाद कि इसने पैसे नहीं दिए हैं, तो सबसे सीधा फायदा क्या है, बैंक ट्रांसफर करो, सिंपल बात है, पूरा ऑनलाइन रिकॉर्ड रहेगा, आप कोर्ट के अंदर ये बात जायज तौर पर प्रूव कर पाओगे कि आपने पैसे पे नहीं करे हैं या नहीं करे हैं एक्सेट्रा, ठीक है। क्योंकि यहां पे 1,00,000 रुपए मैंने पे कर दिए हैं, ऐसा हस्बैंड का कंटेंट करा गया। अब इसके अंदर बात करिए कि कोर्ट ने बोला कि भाई देखो तुमने 1,00,000 रुपए पे करे हैं नहीं करे हैं, वो भी मुद्दा साइड रखो, अभी मुद्दा ये है तुमने हमारे और डायरेक्शन का ब्रीच करा है, जो हमने कहा था कि रिप्लाई फाइल करो और तुमने अमाउंट हमने बोला था कि पे करो 12,000 रुपए महीना, तुमने कुछ भी नहीं करा है, तो पहली बात तुमने ब्रीच करा है कोर्ट के डायरेक्शन को, साथ में तुमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कंडक्ट करा है, कोर्ट के अपमान करा है, तुम्हारे खिलाफ हम कोर्ट के अपमान करने की वजह से प्रोसीडिंग्स चलाएंगे। बट अब यहां पे एक मुद्दे की बात है, इंपॉर्टेंट टर्म जो मैंने लिखी हुई है, ये मैं हस्बैंड के बिहाफ पे बात कर रहा हूं, हस्बैंड के डिफेंस की बात कर रहा हूं। यहां पे ना हस्बैंड को एक मौका दिया जाता है, कभी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आपके ऊपर चलती हैं कोई भी रीजन से, कोई भी, यहां पे कोर्ट आपको एक मौका देता है कि भाई देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की हियरिंग की जो तारीख है, यानी कि 9 मई 2022 हियरिंग चालू करने की डेट रखी है, मतलब इस दिन कोर्ट जो है आपको सेंटेंस सुना देगा, आपको कन्विक्ट कर देगा, आपके ऊपर सजा सुना देगा, ये बात अलग है। लेकिन कोर्ट ने बोला है कि भाई देखो हम जो है ना आपके खिलाफ सेक्शन नंबर 2B सेक्शन नंबर 12 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत हम तुम्हारे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलाएंगे, लेकिन लेकिन कोर्ट होने के नाते आपको कोर्ट ने हस्बैंड मतलब कोर्ट ने हस्बैंड को एक नोटिस भेजा है कि भाई आप हमारे पास आओ और हमें सेटिस्फाई करो, हमें एक्सप्लेन करो कि हम आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स क्यों ना चलाएं। अब एक अच्छा एडवोकेट जो होगा वो अपने क्लाइंट को बचाने के लिए इजीली तौर पे शो कॉज नोटिस जो ये होता है इसको कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है। अब कोर्ट के पास यहां पे डिस्क्रिशनरी पावर अराइज हो जाती है कि कोर्ट आपके पर्टिकुलर शो कॉज रीजन को एक्सेप्ट करे या ना करे, बट एक्सेप्ट कर लेता है तो आप बच जाओगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है आपके ऊपर बच जाएंगे, जो इतने सारे चार्जेस आपके ऊपर सेक्शन 2B सेक्शन 12 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत, इससे आप बच जाओगे। तो जो भी पर्टिकुलर केस के अंदर आपका ये सुनवाई चल रही है या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या आपके आस पड़ोस में आपने देखा है, तो आप उनको ऐसे तरीके से गाइड जरूर करिएगा, क्योंकि शो कॉज नोटिस का एक जो टर्म होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो।
एडवोकेट इन बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, उनका एक ड्राफ्ट फाइल करना होता है, एक रीजन, वैलिड रीजन होना चाहिए जिससे कि कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करके आपके ऊपर जो कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स है उसको रोक दे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो डिस्प्यूट है समझ में आया होगा, और आज के इस वीडियो के अंदर हमने एक बात सीखी होगी कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हो मेंटेनेंस की, तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इजीली तौर पे चली जाएंगी। अब आपको प्रूव करना पड़ेगा आपने अमाउंट पे करा है या नहीं करा है। कोर्ट के अंदर ये बात आ रही है, अराइज हो रही है, वाइफ अगर बात बोल रही है कि मुझे अमाउंट नहीं मिला, आप कह रहे हो मैंने अमाउंट पे कर दिया है, तो भाई वो तो प्रूव करना पड़ेगा। अब आपने पे कर दिया है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का कोई मतलब नहीं बनता है। वाइफ के ऊपर एक चार्ज बन जाएगा कि वाइफ ने झूठ बोला है कोर्ट के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे आते हैं, हम धीरे धीरे सारे मुद्दों को डिस्कस करेंगे। आज का मुद्दा हमारे वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ऐसी डेली अपडेट्स जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू, धन्यवाद।